सो हेलो दोस्तों, फिर से आपको स्वागत करता हूँ पीके इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक नए वीडियो में। दोस्तों बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा इसको खोल के आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि दोस्तों इसके अंदर क्या चीज है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, पहले इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद ही हमें एक चार्ट दिया गया है कंपनी की मदद से। ये देखिए दोस्तों, इसमें पूरा का पूरा बोर्ड का जो वायरिंग होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा इसमें समझा दिया गया है और इस बोर्ड के अंदर क्या क्या चीज दिया है, डायग्राम पूरा का पूरा दिया गया है। दोस्तों पहले ही दोस्तों आपको बताया था ये बहुत ही यूनिक बोर्ड होगा। दोस्तों इसके साथ मुझे मिल गया है एक ब्लूटूथ यूएसबी, देख सकते हैं ब्लूटूथ यूएसबी पैनल जो कि इसमें है, इसको भी मैं खोलकर दिखाऊंगा दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये ब्लूटूथ किट जो है उसको ही दिखा देती हूँ। दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक ब्लूटूथ मॉड्यूल जो कि दोस्तों ये उतना यूनिक नहीं है, वो कुछ ये बहुत सारे जगहों में मिलता है। उसके साथ यूनिक सा एक रिमोट दिया गया है मुझे, तो ये मिल चुका है और इसको मैं साइड में कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बोर्ड को निकल कर, ओ दोस्तों कितना हैवी है ये, इसका वेट जो है बहुत ही अच्छी वेट है और इसको मैं पूरा का पूरा बात नहीं करूँगा दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा, सिर्फ आपको खोल के दिखाऊँगा। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ए देखिए पूरा दिखा देती हूँ आपको, ये सब चीज में फेंक देता हूँ। अभी इसका पैकेजिंग किया हुआ है, इसको भी काट लेता हूँ। और देखिए दोस्तों इसका हीट सिंक देखिए, बहुत ही अच्छी हीट सिंक है इसका, और इसका वायर्स वगैरह वो भी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का वायर्स वगैरह है और ये वायरिंग किया हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से। ये हमारा पोटेंशियोमीटर अटक गया था इधर, कोई बात नहीं। ये देखिए जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है दोस्तों, ये कैसे सोल्डरिंग किया गया है, कुछ इस तरह से सोल्डरिंग करने के बाद इसको इधर से निकल दिया है ताकि हमारा जो तार है वो टूटे ना, इसीलिए दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में इसका रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा, और दोस्तों पूरा वीडियो देखते रहिए और मैं इसका अगली पार्ट भी डालूंगा कि इसका ऑडियो टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और इसका वॉयस इधर पे कहाँ पे जोड़ना है वो भी बताऊंगा। दोस्तों बहुत ही यूनिक आपको एक पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा, देखिए 47 के का एक बहुत ही यूनिक पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा ये। और ये हमारा ड्यूअल चैनल वाला पोटेंशियोमीटर है, देख सकते हैं। और दोस्तों मेरा जो कैमरा है वीडियो आप जिस पे देख रहे हो, वो कैमरा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है जो आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छी से दिखाए। ये फ़ोन मेरा दोस्त का है और उससे ही मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे लेकर। और आपको बता दूँ दोस्तों इसके आईसी के बारे में, देखिए ये हमें ये जो आईसी है ये 44-40 का है और ये बोर्ड बहुत ही यूनिक नए ही लॉन्च हुआ है और ये कार एम्पलीफायर्स में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और कार जो एम्पलीफायर होता है उसमें ही ये इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसमें 5 IC लगा हुआ है, इधर 3 IC, ये बड़े वाले हीट सिंक आप देख रहे हैं, इधर 3 IC और इधर 2 IC। और इसका दोस्तों क्या होगा, हमें बेस के लिए हमें 1 IC से आउटपुट मिल जाता है, बेस मतलब सबवूफर जोड़ने के लिए, और 4 IC पूरा का पूरा हमारा सैटेलाइट स्पीकर जोड़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और इधर देख सकते हैं बेस ट्रेबल मतलब ये हमारा ये देखिए पोटेंशियोमीटर जो दिख रहा है इसको साइड में कर लेते हैं, और ये देखिए बेस ट्रेबल का हमारा पोटेंशियोमीटर, और इधर हमें एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है जो कि हमारा वॉल्यूम के लिए है, और इधर रेक्टिफायर ब्रिज भी बना हुआ है आप देख सकते हैं, 4700 UF का कैपेसिटर है 35 वोल्ट का जो कि हमारा बोर्ड पूरा का पूरा चलाएगा, और यह हमें एक 78.05 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 1 2 3
चार और देखिए पांच, पांच आईसी का आउटपुट मिल जाता है इधर से। और ये जो तार दिख रहा है आपको, ये तार ये देखिए ये होल वाला, ये तार ये बेस का पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। और ये जो आप दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये जो आईसी है ये हमारा सबवूफर के लिए है दोस्तों, ये इसका सिर्फ आईसी सबवूफर के लिए। और ये पोटेंशियोमीटर हमारा सबवूफर के लिए ही होगा। और इसके साथ हमें ये देखिए इनपुट करने के लिए कुछ इधर देखिए हमारा जो ये देखिए ये हमारा ग्राउंड हो चुका है। और ये दोनों लाल और काले वाला लेफ्ट और राइट साइड ऑडियो के लिए होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और इसका सेकंड पार्ट भी देखिए ताकि आपको पूरा वायरिंग समझ में आ जाए। और इस वीडियो में उतनी ज़्यादा मैं वायरिंग के बारे में नहीं बताऊँगा, अगली वीडियो में बताऊँगा। देखिए इसका अगर आप इनपुट का जोड़ना है तो आप कुछ इधर से ऐसे कैसे जोड़ सकते हो, ये देखिए नीचे का साइड लगाना होगा ताकि हमारा एक पिन जो ऊपर का साइड जो पिन दिख रहा है वो एक पिन हमारा बाद हो जाएगा एंटीना के लिए। और हमें ये देखिए 78 पास है, तो ये देखिए 78 पास है इसलिए हमें 5 वोल्ट इधर से मिल जाता है। और इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे जो वीडियो मैं बनाता हूँ मेरे चैनल में वो वीडियो बनाने का जो मूड है दोस्तों वो बने रहे। और मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों मेरे चैनल का जो वीडियो है उसकी मदद से आपको मदद करने का। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उससे देख सकते हो या फिर मेरे चैनल में विजिट करके भी देख सकते हो। रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहुँचता रहे। मैं वीडियो आपके लिए ही बनाता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।